तो मार्केट में हेयर पैचेस के लिए बहुत सारी अलग अलग टेपें आती है और आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे कौन सी हेयर टेप लगानी चाहिए जो अच्छी हाइजीनिक तो हो ही हो, इसके साथ उनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, जो सस्ती भी हो और लंबे टाइम तक होल्ड भी कर सके। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने जाऊँगा कि आपके लिए कौन सी टेप सही है, आपको कौन सा एडहेसिव टेप आपको लगानी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए अपने हेयर सिस्टम में, ताकि कम से कम प्राइस में बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी बिना किसी साइड इफेक्ट के लंबे होल्ड तक टिक सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राजेश। आज मैं बताऊंगा टेप हेयर पैच में यूज होने वाली टेप के बारे में। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी हेयर टेप अवेलेबल होती है, लेकिन जो सबसे कॉमन टेप आपने नाम सुना होगा वो होगा नो शाइन अल्ट्रा होल्ड, एक अल्ट्रा होल्ड टेप, एक नो शाइन टेप और एक ये सिलिकॉन नया ब्रांड आया है, मैं बाद में बताऊंगा। ये रेड टेप भी आपने काफ़ी देखी होगी, इसके अलावा ये वाइट टेप और इसके अलावा ये येलो टेप। तो दोस्तों नॉर्मली जो मोनोफिलामेंट्स होते हैं उनमें ये सबसे सस्ती हेयर पैचेस के टेप होती है येलो टेप और वाइट टेप, ये कॉटन की टेप होती है। ये थोड़ी सी अनहाइजीनिक होती है, थोड़ी सी इसकी थिकनेस जो है एज़ कम्पेयर टू दिस टेप काफ़ी ज़्यादा होती है थिकनेस। और होल्ड पावर बात करूं, अगर अच्छी क्वालिटी की अच्छी कंपनी की है तो होल्ड इसका 20 दिन तक चल सकता है, 25 दिन तक भी चल जाता है अल्ट्रा होल्ड ग्लू के साथ। लेकिन अकेली अगर टेप लगाएं तो इसका होल्ड मात्र 5 से 7 दिन ही चलेगा। हम दोनों ही डिस्कशन करेंगे, अकेली टेप का होल्ड कितना होता है और टेप के साथ ग्लू लगाने पे उसका होल्ड कितना होता है। तो अकेली इस टेप को लगाए तो होल्ड 5 से 7 दिन चलेगा, 5 से 7 दिन के साथ मतलब पानी में भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप ग्लू के साथ लगाओ, अल्ट्रा होल्ड ग्लू के साथ लगाओगे तो 25 से 30 दिन, सिंपल ग्लू लगाओगे तो 15 से 20 दिन। तो ये पैचेस जो होती है ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती, ये येलोइश कलर की होती है और ये वाइट कलर की होती है। इनके सबसे बड़े ड्रॉबैक्स ये होती हैं कि अगर आप नेचुरल लुकिंग हेयर पैच में लगा रहे हो, मान लो स्किन बेस्ड हेयर पैच में इसे यूज़ कर रहे हो, या फिर अल्ट्रा थिन हेयर पैच में यूज़ कर रहे हो, या फिर नेट वाले हेयर पैच में यूज़ कर रहे हो, तो इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, इसकी जो लुकिंग है येलोइश एंड वाइट लुकिंग आपको बाहर से दिखेगी। बाहर से दिखने के बाद मतलब आप ही को नहीं, देखने वाले को भी दिखेगी, तो ऐसा हर किसी को पता लग जाएगा कि आपने सिर पे कुछ ना कुछ करवा रखा है। तो ये टेप जो होती है सिर्फ और सिर्फ मोनोफिलामेंट वालों के लिए होती है, यानी कि अगर आप मोनोफिलामेंट लगवाते हो, मोनोफिलामेंट हेयर पैच लगवाते हो, तो ये टेप आपके लिए काम की हो सकती है। लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी के हेयर पर नेचुरल लुकिंग में जाना चाहते हो तो ये टेप आपके किसी काम की नहीं होती। इसके बाद आती है सबसे कॉमन टेप रेड टेप, ये काफ़ी पतली है एज़ कम्पेयर टू दिस, इनके कंपेयर में काफ़ी पतली है और सबसे बड़ी बात ट्रांसपेरेंट है। ये अभी आपको रेड जो दिख रहा है, रेड इसके ऊपर का कवर है, लेकिन ऊपर का कवर रिमूव करूँगा तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपको नज़र आएगी ये टेप। और इसकी सबसे बड़ी बात है बिना ग्लू के इसकी जो होल्डिंग पावर है वो काफ़ी कम है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ये टेप भी सस्ती है और ये टेप जो मैंने पकड़ रखी है ये भी सस्ती है, मतलब बड़ी लेंथ आपको सस्ते प्राइस में मिल जाती है, लेकिन ग्लू के साथ इसकी होल्डिंग पावर जो होती है वो 15 से 20 दिन तक चल जाती है। तो अगर आप नेचुरल लुकिंग मान लो जाली वाला फुल लेंथ हेयर पैच लगवा रहे हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, इस टैप को अप्लाई कर सकते हो, इस घर पे सर्विस कर रहे हो तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कन्वीनियंट भी है, काफ़ी सस्ती पड़ेगी। ये टेप रोल मात्र 800 रुपये में आपको मिल जाएगा, काफ़ी बड़ा है, छोटी पैकिंग भी आती है इसमें, 200-300 रुपये की पैकिंग भी आपको मिल सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर आप अकेले इसको लगा रहे हो बिना किसी ग्लू के तो इसकी होल्डिंग काफ़ी कम है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेप की, जो कि सबसे पॉपुलर होती है अल्ट्रा होल्ड टेप। ये टेप काफ़ी लोगों की फेवरेट भी है, पैच सेंटर वाले पहली बार ये टेप आपको कई बार लगा के भी दे देती हैं, लेकिन इसकी होल्डिंग पावर बिना ग्लू के भी काफ़ी अच्छी है, ग्लू लगाने के बाद तो और भी अच्छी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये टेप इनसे भी पतली है, यानी अब तक जो टेप दिखाई थी उनसे भी पतली ये टेप है और काफ़ी फेमस भी है, वोकर्स की है, US से बेस्ड है, तो काफ़ी ब्रांडेड टेप है, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है। अगर आप नेचुरल, अगर आप मोनोफिलामेंट लगवा रहे हो तो वो
टेप इनफ है, आपको ये लगवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नेचुरल लुकिंग चाह रहे हो, अपने पैच पे 15,000-20,000 खर्च किया है, तो आपको टेप पे भी खर्च करना पड़ेगा। तो उनके लिए पैच ये टेप लगा सकते हो। सबसे बड़ी बात, इनको आप बिना किसी ग्लू के भी होल्ड कर सकते हो। बिना किसी ग्लू के इसकी होल्डिंग पावर लगभग 20 दिन हो सकती है, अगर आप उसे ढंग से यूज़ करते हो, और ग्लू के साथ इसकी होल्डिंग पावर 30 दिन तक चल जाती है। इसके बाद टेप है सिलिकॉन लाइक, इसी का ब्रदर है ये सिलिकॉन, और ये भी काफ़ी अच्छी पैच है। ये अभी इंडिया में जो इतनी पॉपुलर नहीं है, ये मैं दिखा देता हूँ, और ये भी दिखा देता हूँ। इसी के साथ एक नो शाइन टेप आती है। नो शाइन टेप का प्राइस भी सेम है, और इसकी जो जो गुण है, जो क्वालिटी है, जो एडिसिव पावर है, जो थिकनेस है, वो भी नो शाइन टेप के बिल्कुल कंपेयर में एकदम बराबर होती है। तो हम एक अल्ट्रा ओल्ड ही रखते हैं। नो शाइन मतलब एक ही तरह की दो पैच टेप रखने का कोई मतलब इतना है नहीं। इसके बाद आती है ये सिलिकॉन हेयर, जो कि लेटेस्ट हेयर। अब तक जितनी भी पैच टेप मैंने दिखाई है, उनमें ये काफ़ी अच्छी होल्ड पावर की है। बिना ग्लू की इसकी होल्ड पावर दोस्तों 25 दिन, यानी कि इसके 15 से 20 दिन थी, इसकी 25 दिन तक चल सकती है बिना ग्लू के। और इसकी थिकनेस के कंपेयर में काफ़ी कम है, यानी कि ये काफ़ी पतली है, तो आपको एकदम रियलिस्टिक लुकिंग फील करवाएगी। और इसकी जो चौड़ाई है थोड़ी सी ज़्यादा है इसके कंपेयर में, यानी कि ये 1 इंच है, ये चौड़ाई बात कर रहा हूँ, ये 1 इंच है, तो ये लगभग 0.25 इंच है। तो इसके कंपेयर में ये काफ़ी अच्छी है। बिना ग्लू के भी आप इसे होल्ड कर सकते हो, काफ़ी अच्छी होल्डिंग पावर है। सबसे बड़ी बात, इसके प्राइस से आपको लगता होगा अगर क्वालिटी सेम है, होल्डिंग पावर अच्छी है, तो ये महंगी होगी, लेकिन नहीं, इसका प्राइस के प्राइस से हाफ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये पैच, ये टेप अगर आपको 1200-1300 की मिल रही है, वही ये टेप जो आपको 600-700 में मिल जाती है। इसके अलावा कुछ कटपीस टेप भी आती है, जो आगे से राउंड कटी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ 4 टेप लगाते हैं और पैच लगा देते हैं, और हफ्ते हफ्ते 10 दिन बाद वो टेप बदल देते हैं। तो वो नो शाइन और अल्ट्रा होल्ड की भी टेप आती है, तो वो भी अभी मेरे पास स्टॉक नहीं है, अदरवाइज मैं वो दिखाता। उसके बिना उसके जो क्वालिटी है सेम टू सेम इसी की है, क्योंकि वो टेप जो होती है इन्हीं से मिलकर बनी होती है। हाँ, वो टेप इससे अल्ट्रा होल्ड वाले से थोड़ी सी पतली होती है। तो ये मैंने आज की वीडियो में हेयर पैच पे लगने वाली जितनी भी टेप होती है, उनके जो गुण हैं, उनकी फ्लैक्सीबिलिटी, उनकी जो नेचुरल लुकिंग है, उनकी प्राइस और उनकी जो होल्डिंग पावर है, ये सब बता दिया। आपकी पब्लिक डिमांड आई थी, और इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा आपकी डिमांड पर। आपको किस किस टॉपिक पे, कैसे कैसे मैटर पे वीडियो चाहिए, मैं बनाता रहूँगा। आप बस कमेंट करके बताते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अपने अवेलेबल होती हैं हेयर पैच की, हेयर विक की, फ्रंटल हेयर ले पेस की, और सारे मॉडल हमारे पास वो अवेलेबल होते हैं, सारे मॉडल हमारे पास मिल जाते हैं। इसके अलावा हेयर पैच की हम मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, और काफ़ी सारा जो हेयर पैच है हम खुद भी बनाते हैं। और देख लीजिएगा ये कितनी सारी क्वालिटी के, लगभग 20 तरह के मॉडल्स अभी यहाँ पे रखे हुए हैं। 20 तरह के मॉडल्स हम जो है प्रोवाइड करवाते हैं आपको, अलग अलग मॉडल्स सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे पास हर वक्त इनका स्टॉक रहता है। इसके अलावा हम होलसेल प्राइस में भी इसे प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप खुद सैलून वाले हो, आप हेयर पैच का काम शुरू करना चाहते हो, तो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं। हेयर फिक्सिंग की हम ट्रेनिंग के साथ साथ आपको होलसेल प्राइस में सभी तरह के हेयर पैचेस हम देते हैं। ये स्टॉक है दोस्तों, ये हमारा स्टॉक किसी होलसेलर को जाएगा, सेंड हो जाएगा। और इसके अलावा हम हमारा खुद का सैलून, हमारे खुद का क्लिनिक श्रीगंगानगर में है, जयपुर में है, मुंबई में है और दिल्ली में है। अलग अलग टाइमिंग पे हमारा वहाँ पे सेमिनार होता है, अलग अलग टाइमिंग पे आप वहाँ पे आके हमसे हेयर पैच लगवा सकते हो, किसी भी क्वालिटी का, किसी भी वेरिएंट्स का, और अलग अलग प्राइस में। और यहाँ पे आप ये देख लीजिएगा, हेयर पैच की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये कस्टमाइज हेयर पैच है, यानी कि पेशेंट्स की डिमांड पर भी हम हेयर पैच बना देते हैं। ये फ्रंट लाइन हेयर पैचेज हैं, जिसको फ्रंट लाइन में रिसीडिंग हेयर लाइन हो जाता है, उनको पूरा पैच लगाने की जरूरत नहीं होती। पेशेंट्स के, कस्टमर्स के डिमांड पे ये पैच बन रही है। इसके अलावा बाकी सारे पैचेस भी हम बनाते हैं। तो हमारे पास एक ह्यूज एक जो है स्टॉक है, हर तरह के वेरिएंट्स हैं, अलग अलग प्राइस है। मिनिमम जो प्राइस है दोस्तों वो 6,000 रुपये है। 6,000 से हमारे पास हेयर पैच, हेयर विग जो होती है आपको अवेलेबल हो जाती है। और हर तरह के वेरिएंट्स, हर तरह की क्वालिटी लेडीज़ में भी हम डील करते हैं, लेडीज़ के हेयर पैच भी हम बना देते हैं। थैंक यू सो मच।